ये दोनों मशीन्स में क्या हुआ? एक काम करते हैं, मैकेनिक को बुला लेते हैं। अगर मैकेनिक आएगा तो वो भी दो तीन दिन लगाएगा, तब तक ये साड़ियाँ। अच्छा तुम एक काम करो, तुम लोग हाथ से काम कर लो, और बाकी की मशीन तो चल रही है ना। लेकिन अगर हाथ से काम करेंगे तो इतनी जल्दी इतनी सारी साड़ियाँ कैसे बनेंगी शारदा जी? अरे बन जाएंगी, अगर इरादा पक्का हो ना तो सब काम हो जाता है। लेकिन माँ, अगर इरादे बार बार तोड़े जाए तो पक्के कैसे होंगे? चलो नेहा, तुम हाथ से शुरू करो। हाँ, कोशिश। आराम से हो जाएगा। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ आप जानती हैं ना कि ये भी शनाया का किया करा है। मुझे समझ में नहीं आता कि आप उसे नौकरी से क्यों नहीं निकाल देती, वो हमारे साथ बहुत गलत कर रही है। बेटा अगर हमें किसी की गलती सुधारनी हो ना तो उसकी गलती बर्दाश्त करनी पड़ती है। हाँ आप जितना पल्लवी की बेटी को संभालिए, मुझे नहीं लगता कि उसका एक भी पसंद पल्लवी आपके बच्चों को संभाल रही है। और ना क्या आपका कहने का मतलब ये है कि आपके बच्चे पल्लवी के साथ गलत करने लगे तो वो सही होगा? बेटा देख, मैंने अपने बच्चों को कुछ दिया हो या ना दिया हो, पर इतना तो दिया है कि उन्हें अच्छे संस्कार और अच्छी समझ हो। मैं जानती हूँ वो नाराज हो सकते हैं, पर कभी कोई गलत काम नहीं कर सकते, मुझे पूरा विश्वास है। लता, लता मेरी दवाई कहाँ रख दी है? आरव, 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 क्या हुआ आपको? मेरी दवाई नहीं मिल रही, कहाँ है आरव? मैं देता हूँ आपको, आप बैठिए, मैं देता हूँ, आप बैठो। ये लीजिए। आप ठीक तो है ना? सुनो, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि मैंने आपको माफ कर दिया या आपको मैंने एक्सेप्ट कर लिया। आप इस घर में तो जगह ले सकते हैं, पर मेरे दिल में कभी नहीं। मेरे दिल में तो मेरी माँ रहती। मैं तो सिर्फ तुम्हें थैंक्स कह रही थी। मैंने लाइफ में कभी अपनी माँ की बात नहीं सुनी, इसलिए नहीं कि मैं उनसे प्यार नहीं करता था, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता था, इसलिए कि मुझे लगता था कि उनकी एडवाइस हमेशा मुझे मिलती रहेगी। माँ हमेशा कहती थी कि दूसरों की मदद करनी चाहिए, मैं तो बस उनकी बात मान रहा था। कोरियर शारदा जी। हाँ मैं साइन कर दीजिए। मैं जानता हूँ तुम्हें पैसों की जरूरत है, बिना पैसों के तुम अपना ये ऑर्डर पूरा नहीं कर सकती हो। ये ब्लैंक चेक भेज रहा हूँ, जितने पैसे चाहिए ले लो। अगर तुम मेरी हेल्प लोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। माँ क्या है ये?
में क्या है? चिराग बता रहा था कि तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी, अब कैसी हो? बेटर। वैसे तो कल की मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर तुम्हारी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई तो हम पोस्टपोन भी कर सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, अब ठीक हूँ। माँ, शारदा रुक जाओ। तुम्हें अंदर आने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बात समझ में नहीं आती? ये मत भूलो, ये मेरा घर है। पल्लवी, भूल तो तुम गई हो कि कानूनन आज भी इस घर की मालकिन मैं हूं। अभी भी मैंने ये घर तुम्हारे नाम पर नहीं किया है। इस घर को मैंने अपनी मर्जी से छोड़ा था और यहाँ वापस आने का मेरा कोई इरादा नहीं है। आज तो मैं बस सिर्फ तुम्हारे पति से बात करने आई हूँ। क्या बात है शारदा, यूं अचानक यहाँ, कोई खास बात है क्या? आपने मेरी मदद करने की कोशिश की, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और आपने सही सोचा, मैं सचमुच इस वक्त बहुत परेशानी में हूँ, लेकिन मुझे अपनी परेशानियों से लड़ना आता है। मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है, मैं अपनी पहचान अपने दम से बनाना चाहती हूँ और मैं नहीं चाहती कि मेरी पहचान का एक भी हिस्सा आपके नाम से जुड़ा हो। ये मेरी लड़ाई है और अगर मैं इसमें हार भी गई तो मुझे कोई गम नहीं होगा, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ अपने दम। माँ का सब कुछ छीन लेने के बाद क्या सोचकर आपने माँ को पैसों का ऑफर दिया? Can't believe it। पल्लवी, मैं तुमसे माफी मांगने आए हो? जाओ, माफ कर दिया। वैसे भी मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं थी। जो आदमी एक औरत का नहीं हो सका वो किसी और का क्या हो सकता है? अफसोस तो इस बात का है कि इतने साल रहकर भी शारदा के साथ तुम उसे समझ नहीं सके। तुम्हें क्या लगा वो इस तरह तुम्हारी मदद लेगी? मैंने तुम्हें बहुत समझदार समझा था, लेकिन तुम तो शारदा ने तुम्हें छोड़कर बहुत अच्छा किया। वैसे भी ऐसे पति के साथ रहने का क्या फायदा जो अपनी पत्नी को ही ना समझ सके। वैसे शारदा को समझना इतना मुश्किल नहीं था, मैं तो बस कुछ ही दिनों में उसे समझ गई।
यू नो व्हाट महेश, मुझे तुम पर गुस्सा नहीं आ रहा है, तरस आ रहा है। तुम्हें बड़ा घमंड था ना अपने पैसों पर, लेकिन अब देखो आज तुम इन पैसों से शारदा की मदद भी नहीं कर सके। तुम्हारे सारे झूठ फरेब सब मैनिपुलेशंस हम सबके सामने आ गए। अरे मेरी बात तो छोड़ो, शारदा जिसे तुम अपनी पांव की जूती समझते थे वो तक तुम्हारे मुंह पर चेक फेंक कर चली गई। आज उसने भी साबित कर दी कि बड़ा कौन है। तुम क्या करोगे अब सुरेश मोदी? मुझे अपनी मैं अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ। साक्षी, आज तुम जल्दी आ गई फैक्ट्री से? हाँ, वो मैंने सोचा कि मैं फैक्ट्री से जल्दी आकर खाना बना लूँ माँ के वापस आने से पहले। क्या बात है, क्या सोच रही है? करण, वो माँ पापा से मिलने उस घर में गई थी आज। What? लेकिन क्यों? पापा ने हमारी मदद के लिए एक ब्लैंक चेक भेजा, उसी सिलसिले में माँ गई है उनसे बात करने। इतना सब कुछ करने के बाद भी उन्हें चैन नहीं, वो क्यों अभी भी हमारी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं? उन्हें क्या लगता है कि हम अपना ख्याल नहीं रख सकते? मुझे लगता है पापा बस हमारी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। I have no idea कि वहाँ क्या बातें हुई है, किसने क्या कहा। मैंने पूछा भी लेकिन उन्होंने कहा जब वो घर आएंगे तब वो बताएंगे। मॉम डैड के सामने कुछ बोल भी कहाँ पाती? साक्षी, माँ आ गए। मॉम, क्या हुआ? क्या हुआ वहाँ माँ? आपने चेक वापस कर दिया ना? मॉम, डैड ने आपको कुछ कहा? नहीं, मैंने कहा जिंदगी में पहली बार उनकी आंखों में आंखें डालकर मैंने उनसे कहा कि मुझे उनकी जरूरत नहीं है। सचमुच शारदा मेहता को सुरेश मोदी की जरूरत नहीं है। आपने बिल्कुल सही किया मॉम, आपकी अपनी पहचान है, आपको डैड की कोई जरूरत नहीं। हाँ माँ, आप पेड़ की कटी हुई डाली नहीं, आप गुलाब का कलम जो खुद एक पौधा बनाती है। माँ, आपकी एक अपनी नई पहचान है। तुम दोनों का प्यार है जिसने मुझे हिम्मत दी, वरना तुम्हारे पापा के सामने तो मुझे कभी खड़े होने की भी हिम्मत नहीं थी। I'm proud of you, Mom. You're the best. अच्छा, आप लोग बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ। तू इस तरह परेशान मत हो, मैं जानती हूँ तुझे तेरे पापा के इस तरह वो चेक भेजना अच्छा नहीं लगा। नहीं मॉम, मुझे लगता है कि इसमें डैड की कोई गलती नहीं, मैं ही आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं आप लोगों की बेसिक जरूरत भी पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मेरे पास जॉब होती तो ये सब प्रॉब्लम होती ही नहीं, सब कुछ मेरी वजह से। करण, एक बात बता, तुझे याद है वो हमारे गांव में एक कुआं था? हाँ, क्यों? और तुझे याद है उस पानी खींचने वाली रस्सी से कैसे उस कुएं पर निशान बन गया था? जब एक मामूली सी रस्सी पत्थर के ऊपर निशान लगा सकती है तो क्या हम इस दुनिया में अपना निशान नहीं बना सकते? ऐसी चीजें तो दुनिया में लगी रहती है, हमें हार नहीं मानना चाहिए,
मजबूती से डटे रहना चाहिए। देख तू बहुत अच्छा करेगा, मेरा दिल कहता है, मैं जानती हूँ ये सच। थैंक यू मॉम। अरे साक्षी आज बहुत काम, ये सब लोग। साक्षी माँ, साक्षी ये सब लोग कौन? शारदा जी ये सरस्वती की मामी है, ये मेरी भाभी और ये मेरी छोटी बहन। नमस्ते। और शारदा जी ये मेरी पड़ोसन है और ये मेरे दूर की भाभी। नमस्ते। पर ये सब यहाँ? माँ ये सब यहाँ हमारी मदद करने आए हैं। हमारी मदद? हाँ शारदा जी, भले ही हमारे पास पैसे नहीं है लेकिन हमारे पास हमारे अपने लोग तो हैं। और जहाँ हमारे अपने लोग होते हैं वहाँ जीत तो होती है ना? हाँ शारदा जी, ये सब लोग आपके साथ काम करना चाहते हैं। सब आपके साथ काम करना चाहते। समझ में नहीं आ रहा मैं आप सबका शुक्रिया कैसे अदा करूँ। बहुत बहुत शुक्रिया शारदा जी, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आपने वैसे ही हमारे लिए बहुत कुछ किया है, आपने हमें बहुत कुछ सिखाया है, अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया है, हमें हर मुश्किल से डट कर लड़ने का हौसला दिया है, हमारे अंदर जीत का जोश भरा है और ये सब बहुत ज्यादा है। तो चलिए हम सब एक गेम खेलते हैं, देखते हैं कि हम सब कितनी जल्दी ये पूरा ऑर्डर कम्प्लीट कर सकते। हाँ मेरे हिसाब से ज्यादा 12 घंटे। हाँ नहीं नहीं नेहा, सिर्फ 10 घंटे। 12 घंटे नहीं, बस 10-12 ये सब हम देखेंगे लेकिन उससे पहले हमें स्टार्ट तो करना पड़ेगा ना। चलिए काम करते हैं। चलिए चलो। मामा, समोसे सबके लिए। अरे तू कहाँ से आ गया? मैं सबके लिए अभी चाय बनाता हूँ और गर्मा गर्मा समोसे। अरे एक जगह 299 लिखा है और एक जगह 300, ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो खुद गिना था ये। बच्चे थके हुए हैं, इन्हें उठाकर पूछ भी नहीं सकती, मैं फैक्ट्री में जाके चेक कर लेती हूँ। खेल अब बहुत हो चुका, अब बारी है फाइनल एक्शन की। शारदा मोदी, आज की रात इस फैक्ट्री की आखिरी रात है। ये लड़की फोन क्यों नहीं उठा रही है? ओह गॉड, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है? कुछ गलत तो नहीं हो रहा है शनाया के साथ? कहीं ये शारदा की फैक्ट्री में तो नहीं गई?